बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल, 1 किलो चिकन और 4 अदद टमाटर, 3 प्याज हैं, 3-4 हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये शान का बिरयानी मसाला है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्रांड का ले लें। और ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, जिसमें तेज़पात, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च और ज़ीरा है। 1/2 किलो दही है, ये थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, और ये फूड कलर है। 1 कप घी है, ऑयल या घी जो आपको पसंद है, वैसे मैंने ऑयल यूज़ किया। उसमें ये प्याज स्लाइस करके डाल दें, उसको ब्राउन करने तक फ्राई कर लेते हैं। जितनी देर में ये फ्राई होता है, उतनी देर में हम टमाटर को काट लेते हैं। बस थोड़ा सा और ब्राउन होगा तो इसको निकाल लेंगे प्याज को। ये जी प्याज हो गया, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और इसके साथ ही चिकन ऐड करते हैं। इसको 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे चिकन को अच्छी तरह, ये जरा थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया, लहसुन अदरक ब्राउन हो गया। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसके साथ ही ये मसाला बिरयानी का जो ये डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकने देंगे। ये टमाटर में चिकन अब पक जाएगा, थोड़ा सा पक जाए फिर इसमें दही डाल देंगे। ये टमाटर थोड़े से गल गए अभी हैं थोड़े से, अब इसमें ये जो 1/2 किलो दही था ये डाल देंगे। दही को अच्छी तरह फेंट लीजिएगा। तो ये जो फ्राई किया हुआ प्याज था ये 1/2 डाल देंगे इसके अंदर, 1/2 इसके अंदर डाल देंगे, 1/2 दम के लिए रख देंगे। मसाला बस भुनने वाला थोड़ा सा है, इसमें भी पानी थोड़ा सा, टमाटर थोड़े से हैं वो गल जाए, दही वाला पानी खुशक हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये
थोड़ी सी कसर है इसमें, अभी थोड़ा सा ये पक ले। अच्छा ये पानी बॉयल होने लग गया, इसमें अब चावल डाल देंगे। और ये जो साबुत गरम मसाला था ये इसमें डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। चावल जैसे आप बॉईल करते हैं वैसे ही कर लें। एक तरफ जो हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं, बस हो गए, बस इनको निकाल लेते हैं, फिर इसका दम लगा देते हैं। ये आधे चावल डालेंगे पहले, अब दम लगा लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सालन डाल देंगे, जो इसका कोरमा आपने बिरयानी का बनाया वो डाल देंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा तो आप इसकी डबल तय कर लें। मेरे एक किलो चावल थे इसलिए, मेरा पैन भी बड़ा है इसलिए इसमें आ जाएंगे, एक ही तय में पूरा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा प्याज। प्याज चला जाएगा, ये थोड़ा सा धनिया पुदीना, ये जो फूड कलर लिया था आपने ये फूड कलर ले लें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, दूध डाल लें, लेमन डाल लें और इसको दम लगा दें। 10 से 15 मिनट दम लगेगा। हमारी रेडी हो गई, 15 मिनट दम लगाया इसको। मेरी देवरानी अनीला काशिफ हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, मैंने उनसे ही कुछ सीखा हुआ है। बाकी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ पेज को लाइक कीजिएगा। किसी दिन आपको अपनी देवरानी से रेसिपी लेके दूंगी, इंशाल्लाह उसकी भी आपको पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं।